Hello friend, my name is Ranjana and today I'm talking about the 5 volt power supply, how made by the using the 87805 regulator IC. This is circuit of the 5 volt power supply, and this circuit also used in the mobile charger. So let's see the how the made in the PCB. And this is a circuit of the 5 volt supply, and this is circuit of the 5 volt supply. So this is the diodes, which is the bridge rectifier, and this is the regulator IC, two capacitors and the transformer. So how this is connection is done by using this circuitry. This is the rectifier, bridge rectifier, which is implemented on this. This is the bridge rectifier, and here two capacitors are used. One is 100 microfarad and second is 470 microfarad. So let's see on this. This is 470 microfarad, and this is 1000 microfarad, 100 microfarad. And this is regulator IC 7805. Because here using 5 volt supply we made, so the 7805 IC I use. And this is the bridge rectifier. And this is transformer. Here transformer is used is the 4012. So this is the 4012 transformer. This transformer we can say that is step down transformer used for the 5 volt power supply. 5 volt power supply के लिए हम लोग जो transformer use कर रहे हैं, step down transformer use कर रहे हैं. Step down transformer को simple भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जो primary की winding जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, as ज़्यादा होती है इसकी winding, और secondary की winding कम होती है as compared to the primary. तो step down में ऐसा ही है. Step down जो transformer, ये जो step down इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारी प्राइमरी की जो वाइंडिंग उसमें ज़्यादा है और सेकेंडरी की कम है, और इसलिए हमने इसमें 5 वोल्ट की पावर सप्लाई अपना बनाना है, तो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं. और यह हमारा कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है. जैसे हमारे जो सप्लाई होती है वो एसी होती है, तो हम लोग चाहते हैं हमारा 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए. तो ये इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हमारा ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया. उसके बाद हम दो कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे रेगुलेटर आईसी लगा दिए. तो अगर इसको हम लोग बना, इसको हम इस सर्किट को, इस पीसीबी एक्सप्रेस से मैंने इस सर्किट को बनाया है, और उसके बाद मैंने इस पर इम्प्लीमेंट कर दिया, तो काफ़ी ये सिंपल हो गया. और उसके बाद ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, 5 वोल्ट के लिए अप्लाई यूज कर सकते हैं. और यहाँ पे 470 कैपेसिटर क्या कर रहा है, हमारा फिल्टर कर देता है. 220 का जो सप्लाई है अब हमें 5 वोल्ट में मिलना लगता है. अब हम इसको बनाने का फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ी फ़ायदा है कि हम लोग अपना लैपटॉप और पीसी, जो भी हम लोग चार्ज सेलफोन है उसको हम चार्ज कर सकते हैं इसके मदद से, क्योंकि हमने इस यहाँ पे क्या कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया है और 5 वोल्ट की सप्लाई अपनी बना ली है. और डीसी जो मोटर्स आती हैं या सर्वो मोटर्स जो होते हैं उसमें हमें क्या कम पावर की जो वोल्टेज की अप्लाई होती है, इसलिए इसका यूज हम 5 वोल्ट की डेली एप्लीकेशन में कर सकते हैं. और इसका हम लोग जो ये हमने मैंने बनाया उसका आउटपुट आप देख सकते हैं. जैसे मैं इसको प्लग कर रही हूँ, इसको प्लग किया है तो ये सप्लाई मेरी बन चुकी है 5 वोल्ट की. तो यहाँ पे मैंने एक सर्किट पहले से बना रखा है, तो मैं इसको ज्वाइन करके आपको दिखा रही हूँ. तो इसकी मैंने कनेक्शन ज्वाइन कर देती हैं. इसको ज्वाइन करके मैं दिखा रही हूँ, बस कुछ मिनट लगेंगे. और यहाँ से मैं अपना प्लग ऑन कर लेती हूँ, और मैं इसको चालू कर दिया है. अब देखिए, और ये मेरे जो सर्किट बनाई है पियानो का जो सर्किट है, आप पीछे पहले की वीडियो में देख सकते हैं. तो ये हमारा 9 वोल्ट 5 वोल्ट पे वर्क करता है. तो ये हमारा ये जो आउटपुट में जो मैं ये 5 वोल्ट की सप्लाई के लिए, तो मैंने यहाँ पे मैं सप्लाई से यूज कर रही हूँ. एसी आ रही है पर ये डीसी में, इसे मैं कन्वर्ट करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके अपना पियानो में. अब मेरे पास मल्टीमीटर अभी तत्काल में नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सर्किट से दिखा रही हूँ. और ये हमारा कन्वर्ट कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है जो मैंने सर्किट बनाई है. और डिटेल डिस्कशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शो कर दूँगी. तो फाइनली हमारा ये हमारा
5 वोल्ट की पावर सप्लाई है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जब भी आप मोबाइल भी इससे चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे कनेक्टर लगा दें और फिर उसका मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो यही हमारा 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है। और अगर हमारे कंपोनेंट की लिस्ट आपको चाहिए तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अपने आपके पास होना चाहिए, रेगुलेटर आई सी होनी चाहिए, कैपेसिटर और डायोड। डायोड आपका IN4007 का चाहिए, और कैपेसिटर आप 100 माइक्रोफेरेड 470 माइक्रोफेरेड ले लीजिएगा, और LM7805 वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पे मैंने यूज़ किया, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए आप 12 का ही यूज करें या 909 का भी से बना सकते हैं 5 वोल्ट की पावर सप्लाई। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।